हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसिफ टेक टॉक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेशनल स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, करंट स्टेटस, और कब तक जो है वो स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि है नेशनल स्कॉलरशिप। आप सर्च करेंगे किसी भी ब्राउज़र में, एक्सेप्ट यूसी ब्राउज़र, आप मोबाइल के ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ, और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन यानी कि इस साल जो फिलअप किया गया है उसके लिए, इस साल यानी कि 2018 और 19 का, और जो रिन्यूअल फॉर्म है यानी कि इस साल से पहले जो फॉर्म भरे हैं, इससे पहले या उससे 2 साल पहले या 1 साल पहले, तो उसके लिए आप रिन्यूअल वाला चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस। जो रिन्यूअल का जो अमाउंट है वो पहले आ जाएगा, और जो फ्रेशर अप्लाई किया गया है उसका थोड़ा वक्त लगेगा अमाउंट आने में स्कॉलरशिप का। तो चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है। तो अप्लाई पे जैसे आप अपना लॉगिन के लिए अगर रिन्यूअल चेक करना चाहते हैं, तो पहले मैं रिन्यूअल का बता देता हूँ कि रिन्यूअल का कैसे चेक करना है। तो अप्लाई फॉर रिन्यूएबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा एप्लीकेशन आईडी इंटर करने के लिए, पासवर्ड, और उसके बाद कैप्चा कोड, जो भी ये नंबर नज़र आ रहे हैं कैप्चा कोड में आपको इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे आगे इंटर करके प्रोसीड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कैप्चा कोड डाल देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो सेम अगर आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो इसी तरह से खुलेगा, ठीक है। नीचे आपको निकल रहेगा स्टेटस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस पे अगर क्लिक करते हैं चेक योर स्टेटस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट, यानी कि पेमेंट के लिए सेंड कर दिया गया है, ठीक है। और जो रिन्यूअल फॉर्म है, तो रिन्यूअल जो भी होते हैं वो मैक्सिमम चांसेस होता है वो मीन्स पेमेंट जो है मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए सेंड कर दिया गया है, तो आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये जो पेमेंट है वो इंशाल्लाह इस वीक या नेक्स्ट वीक में, जनवरी जो है नेक्स्ट वीक तक आने का चांसेस है, तो आप वेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक तक। तो इसको मैं लॉग आउट करके फिर से जो फ्रेशर वाला है वो मैं अभी चेक करके बताता हूँ। तो फिर से पहले वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप अगर आपका, तो यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई लिखा हुआ है, तो फ्रेशर के लिए जो है लॉगिन टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है, और रिन्यूअल पे लॉगिन फॉर रिन्यूअल, अप्लाई फॉर रिन्यूअल। तो यहाँ पे आपको फ्रेशर जो आईडी है 2018-19 वाला वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे इंटर करके आगे प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ पे आप कैप्चा कोड थोड़ा सा सेंसिटिव भी टाइप करेंगे, जो भी आपको कैप्चा कोड नज़र आया है वही आपको टाइप करना है, स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों है। अगर समझ में ना आए तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ JJ3 एंड कैपिटल डी एंड कैपिटल बी एस यू स्मॉल एस एंड स्मॉल यू, लॉग इन टू अप्लाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे मोबाइल में अगर ओपन करेंगे तो आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पे टिक हो चुका है और 3 टिक जो है बाकी है, ठीक है। एप्लीकेशन नॉट फाउंड डुप्लीकेट बाय सिस्टम, ये टिक बाकी है, क्रॉस किया गया है अभी। तो ये टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, मीन्स फरवरी या जनवरी लास्ट तक ये भी सक्सेस हो जाएगा, अगर सही फॉर्म है तो। अगर आपका भी सही फॉर्म है तो सक्सेस हो जाएगा, सारे में टिक लग जाएगा और पेमेंट जो है फरवरी या जनवरी लास्ट तक मिल जाएगा। तो आप अपना चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा में टिक है और कौन सा क्रॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप चेक योर स्टेटस पे भी क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर। ठीक है, एप्लीकेशन जो जो है फाइनल वेरीफाई हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट का जो प्रोसेस था वो जो बैंक अकाउंट चेक करने का, तो उस पर अभी टिक नहीं है, तो वो वक्त लग सकता है अभी। ठीक है, जनवरी लास्ट या फेबररी तक इसका भी जो फ्रेशर है उसका भी पेमेंट आ जाएगा। तो होप आप चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस कैसे क्या है अभी आपके फॉर्म का स्टेटस, रिन्यूअल और फ्रेशर दोनों। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।